Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद फतेहगढ़ सेंट्रल से बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बुधवार को रिहा कर दिया गया। वो अपने कुछ समर्थकों के साथ चले गए, इसकी किसी को भनक तक नहीं लगने दी गई। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की लखनऊ में हत्या के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम आया था। इसके बाद एक पुराने मामले में वह जमानत कटवा कर जेल चले गए थे। नैनीताल में खतरा होने पर पूर्व सांसद को 11 मार्च को फतेहगढ़ स्थित सेंट्रल जेल भेजा गया था। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह के रिहा होने की पुष्टि की है। वहीं बात करें तो जिस तरीके से लखनऊ के अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी धनंजय सिंह जितने नाटकीय ढंग से सरेंडर किया था, उतने ही नाटकीय ढंग से फरारी भी काट ली। अजीत सिंह हत्याकांड में 25,000 रुपए के इनामी बने धनंजय सिंह को पुलिस खोजती रही और उसने वकील के भेष में प्रयागराज की MP MLA कोर्ट में आसानी से सरेंडर कर लिया। धनंजय को पुलिस यहां से नैनी जेल ले गई तो वहां जान का खतरा बताकर धनंजय सिंह ने खुद को फतेहगढ़ जेल में ट्रांसफ़र कर लिया था और अब फाइनली रिहा होकर फरार भी हो चुका है, लेकिन UP पुलिस अभी तक खोज नहीं पाई है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.